रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, इसकी हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। इससे पता चलेगा हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, आपको कितनी समझ आई है। तो आज हम करेंगे साइलेंट लेटर। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। अ साइलेंट लेटर इज़ अ लेटर दैट डज नॉट मेक एनी साउंड इन द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। हेयर आर सम एग्जाम्पल लाइक नॉट, डाउट, राइट। तो इसमें जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये बोलने में नहीं बोले जाते। तो ये सेंटेंसेज हैं, इसमें आप पहचाने एक एक लफ्ज़ है जो कि साइलेंट है। दे बिगैन टू हैरेस हिम इन एवरी वे दे कुड। तो आप देखें, इसमें कुड में हम एल जो है उसको प्रोनाउंस नहीं करते। हैरेस करने का मतलब होता है तंग करना, मुसीबत में डालना, परेशान करना, किसी को पागल बनाना। तो उसका अपोजिट जो है वो होता है असिस्ट, एड, मदद करना, डिलाइट, कंफर्ट, प्लीज, रिफ्रेश, आराम पहुंचाना, खुश करना, मजबूत करना, हमायत करना और मनाना। द ओल्ड वुमेन न्यू नथिंग अबाउट मोरालिटी एंड दैट इज वाई शी थ्रू रबिश ऑन हिम। अब देखिए, इसमें न्यू में के जो है वो साइलेंट है। तो अब हम देखते हैं कि मोरालिटी किसको कहते हैं। मोरालिटी का मतलब तब होता है इखलाकियात। Wrong is wrong, even everyone is doing. Right is right, even no one is doing. यानी कोई करे ना करे, मैंने तो हर सूरत में सही काम करना है। वो असूल जो हमें सही और गलत में तमीज़ करना सिखाते हैं, उनको मोरालिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम स्कूल इसलिए आते हैं कि हम मॉरल वैल्यूज़ भी सीखें। हमने हर सूरत में सच बोलना है, कोई बोले ना बोले, साफ रहना है, साफ। The sword fell from his hand. आप देखें, sword में W की साउंड नहीं है, जो walk है, sword इस तलवार को कहते हैं कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर उसके बाद है the man's arms were numb. तो अब इसमें numb में B लिखा हुआ है, लेकिन बोलने में बोला नहीं जाता। आप numb कहते हैं सुन हो जाना, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप बहुत देर बैठे तो आपकी टांगें सुन हो जाती हैं। I saw a beautiful lamb. अब यहाँ पे भी देखें कि बी साइलेंट है, lamb जो है वो भेड़ को कहते हैं। मैंने एक खूबसूरत भेड़ का बच्चा देखा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस और आइडिया। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन लाइक एनिमल स्टोरीज। बहुत से बच्चे एनिमल स्टोरीज को पसंद करते हैं। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स। वो अपने हमसायों से खौफजदा थे। अब देखें कि टाइम बिफोर इस्लाम ना तो पहला वर्ड कैपिटल है और ना फुल स्टॉप है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो हमने ये जुमले देख रहे हैं। उसके बाद है बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव, कि वो अपनी नई पैदा होने वाली बच्चों को दफन कर देते थे। इसमें भी ये सेंटेंस नहीं था। द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स। ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। इस्लाम टॉट लव एंड पीस। इस्लाम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। अब आपने देखा कि पांच हमने सेंटेंसेस किए हैं, आप इनको रीराइट करें और देखें कौन सा सेंटेंस है, कौन सा नहीं है। पहला सेंटेंस था, दूसरा नो सेंटेंस, तीसरा भी नहीं सेंटेंस था, और चौथा और पांचवा सेंटेंसेस थे। लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आमतौर पे चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव, डेक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटेरोगेटिव। तो आज हम करेंगे डेक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव पे। डेक्लेरेटिव जो होते हैं उनको लानिया जुमले भी कहते हैं। It tells about something and it ends with the full stop. Or for example, my friends are waiting for me. I have a blue dress. My sister is in the first grade. आप देखें कि statements हैं जो capital से शुरू हो रही हैं, full stop पे end हो रही हैं। Interrogative जो है उनको सवालिया कहते हैं। Interrogative sentence or something, it ends with a question mark. Are you happy today? क्या तुम खुश हो? How do you play this game? तुम इस गेम को कैसे खेलोगे? तो अब हम मैं आपके सामने कुछ जुमले रख रही हूँ, आपने इनमें से declarative और interrogative में differentiate करना है। This was a regular daily event. तो ये एक
डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, तो हमें रेगुलर क्या करना चाहिए? आप फिजिकल डायमेंशन है, इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पे सोना और उठना चाहिए, किताबें अच्छी अच्छी पढ़नी चाहिए माइंड को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमें अपने माँ बाप बहन भाई अजीज़ व अकारब का ख्याल रखना चाहिए, और सोल को रूह को करने के लिए अल्लाह से कनेक्शन रखना चाहिए, जिसका बेहतरीन जरिया अल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना। व्हाट डिड ही फाइंड, अब आप देखें कि उसने क्या तलाश किया, तो इसमें सवालिया निशान है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द वुमन थॉट दैट ही हैड कम टू टेक हिज रिवेंज, वो अपना बदला लेने आया है, तो ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इट वॉज द कमांड ऑफ अल्लाह, ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। Who can save you now? तुम्हें कौन बचा सकता है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने इस लेसन को पसंद किया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें।